Hi guys and welcome back to the channel. I think DDPi के मोला E3 और Z4D के बाद इस डैश कैम के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी और फाइनली मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ DDPi का ही एक और फीचर पैक डैश कैम X5 Pro। ये 4K अल्ट्रा HD डुअल चैनल डैश कैम है और इसका फुल किट मेरे पास अवेलेबल है, तो वीडियो में आगे इसका डिटेल अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन कवर होगा और एंड में आपके रेफरेंस के लिए मैं कुछ सैम्पल फुटेज अपलोड करूंगा फ्रंट और रियर कैमरा से डे लो लाइट पार्किंग मोड में। और आपको एक अलग से लिंक भी दे दूंगा क्योंकि ये करंट वीडियो में 1080 पिक्सल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फ्रंट कैमरा 4K कंपैटिबल है तो आपको एक्चुअल रेजोल्यूशन का आइडिया नहीं आएगा। तो जो लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें इसका अनएडिटेड फुटेज होगा, यानी कि एक्चुअल रेजोल्यूशन में 4K अल्ट्रा HD, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कि फ्रंट कैमरा एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करता है और रियर कैमरा 1080 पिक्सल 25 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड करता है। तो इस वीडियो में आपको उसका 99% आइडिया आ जाएगा, मैं कोई कलर ग्रेडिंग यूज़ नहीं करूँगा तो आपको एक्चुअल आउटपुट पता चल जाएगा। अनबॉक्सिंग हो चुका है, बॉक्स के अंदर आपको फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा और कुछ यूजर मैनुअल दिखाई देंगे। फ्रंट और रियर कैमरा के लिए अलग से यूजर मैनुअल्स हैं तो उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर भी आपको फ्रंट कैमरा के लिए और कुछ एडिशनल डबल साइड स्टिकर दिए हैं। कैमरा बॉडी के ऊपर आपको ऑलरेडी स्टिकर मिल जाते हैं, इनकेस कभी रीइंस्टॉलेशन करना पड़े तो ये आपके काम में आ जाएंगे। और वायरिंग हार्नेस मिलेगा आपको फ्रंट और रियर कैमरा के लिए। दोनों कैमरा की वायरिंग हार्नेस की लेंथ आपको सफिशिएंट मिल जाती है तो किसी भी कार में आप इसको इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। रियर कैमरा के लिए आपको 4-पिन मेल और फीमेल कनेक्टर मिल जाएंगे, तो एक इन कनेक्ट होगा आपका रियर कैमरा में और दूसरा जाएगा फ्रंट वायरिंग की किट में। और ये 100% प्लग एंड प्ले है तो आपको कहीं से भी वायर स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्शंस कैसे करने हैं आगे वीडियो में दिखा दूंगा मैं आपको। और फ्रंट कैमरा के लिए आपको डेडिकेटेड हार्ड वायरिंग किट मिलेगा, ये आपके फ्यूज़ बॉक्स में कनेक्ट होगा डायरेक्टली, ये स्टैंडर्ड USB केबल नहीं है तो फ्यूज़ बॉक्स से ही ऑपरेट होगा। आपको यहाँ पर ब्लेड फ्यूजेस दिए हैं आपका बैटरी, ACC और ग्राउंड कनेक्शन के लिए, तो अगेन आपको कोई वायर स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एंड कनेक्ट होगा आपका फ्रंट डैश कैम में, एडिशनल स्क्रू भी दिया आपको सेफ्टी के लिए। और रियर कैमरा का कनेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो अगेन पूरा प्लग एंड प्ले फिटमेंट मिल जाएगा। ये सेटअप ऑपरेट करने के लिए आपको हार्ड वायरिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये जो किट है आपके कार के फ्यूज़ बॉक्स से ही ऑपरेट होता है। प्लग एंड प्ले फिटमेंट है पूरा, आपको यहाँ पे कोई भी वायर स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपकी कार की वारंटी इंटैक्ट रहेगी। लेकिन स्टिल अगर आपको किसी रीज़न से फ्यूज़ बॉक्स में कनेक्शंस करने नहीं है तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है बैटरी पैक का। ये बैटरी पैक है जो नेक्स्ट डिजिटॉन ने डेडिकेटली डैश कैम के लिए डिज़ाइन किया है। इसके अंदर आपको 24,000 mAh का रिचार्जेबल लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक मिलता है। इसका डिटेल रिव्यू और इंस्टॉलेशन मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आप देख सकते हैं। ये रिचार्जेबल बैटरी है, आप इसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर आपको डेडिकेटेड हार्ड वायरिंग किट मिलेगा। अब ये डेडिकेटली X5 Pro के लिए डिज़ाइन है, आपको जो किट मिल रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पे सी शेप कनेक्टर है जो सेम आपको हार्ड वायरिंग किट में मिलता है। ये आपका 12V DC पोर्ट के साथ आएगा तो फ्यूज़ बॉक्स में कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक गाड़ी का इग्निशन ऑन है तब तक ये बैटरी बैक रिचार्ज होता रहेगा और जैसे आपने कार का इग्निशन बंद कर दिया तो जो आपका 12V DC पोर्ट है यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और डैश कैम को आपको यहाँ से पावर सप्लाई मिलेगा, यानी कि आपकी गाड़ी बंद होने के बाद भी आपको डैश कैम के पार्किंग मॉनिटरिंग के फीचर्स मिल जाएंगे। डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो बात करते हैं कैमरा यूनिट्स के बारे में, स्टार्ट करते हैं फ्रंट कैमरा से। अगर मैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों एक्सेलेंट है, आपको काफ़ी स्लिक और अट्रैक्टिव डिज़ाइन देखने मिलता है। डिवाइस के फ्रंट साइड में कंपनी का ब्रांडिंग है और उसी के एग्जैक्टली ऊपर आपको एक LED इंडिकेटर मिलेगा जो पार्किंग मॉनिटरिंग का स्टेटस दिखाएगा। और यहाँ पे प्लेस्ड है कैमरा का मेन लेंस, 7-लेयर ऑप्टिकल लेंस मिलेगा जो एडजस्टेबल है, आप यहाँ से इजीली रिकॉर्डिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इंस्टॉलेशन में डिटेल में दिखा दूंगा मैं कैसे एडजस्ट करना है। और ये जो लेंस है सुपर वाइड है, आपको 140 डिग्री तक का फील्ड ऑफ व्यू देगा, तो रोड की लेफ्ट
लेफ्ट और राइट साइड तक मैक्सिमम कवरेज आपको मिलेगा सेफ्टी के लिए। और इसमें आपको F1.8 का लार्ज अपर्चर मिल जाएगा जो प्रोड्यूस करेगा एक्सलेंट फुटेज लो लाइट कंडीशंस में भी। डिवाइस के टॉप सेक्शन में आपको एक माउंटिंग ब्रैकेट मिलेगा क्विक रिलीज मैकेनिज्म के साथ। हल्का सा स्लाइड कीजिए, ये कैमरा बॉडी से अलग हो जाएगा और उसी के नीचे GPS मॉड्यूल प्लेस किया कंपनी ने। ये ऑफर करता है मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन सपोर्ट, तो आपको कनेक्टिविटी सीमलेस मिलेगा, हर जगह GPS के सिग्नल देखने मिलेंगे आपको। और कनेक्टिविटी में आपको एक और एक्सलेंट फीचर मिलता है वाईफाई सपोर्ट का। इसमें आपको 5 GHz का वाईफाई मॉड्यूल देखने मिलेगा, तो जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है 2.4 GHz के कंपैरिजन में आपको डबल देखने मिलेगी। तो इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन आता है एंड्रॉयड iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे, तो डाउनलोड करके आप कैमरा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फुटेज डाउनलोड करना, सोशल मीडिया पे शेयर करना या सेटिंग्स को कस्टमाइज करना आसान हो जाएगा। उसका एक डेमो आपको इंस्टॉलेशन के बाद दे दूंगा मैं। और यहाँ पे है X5 Pro का ब्रांडिंग, रेड व्हाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आता है, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। डिवाइस के रियर साइड में आपको एक स्पीकर मिलेगा, कैमरा के सारे अलर्ट्स आपको यहाँ से सुनाई देंगे, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है और इसका जो वॉल्यूम है काफ़ी लाउड एंड क्लियर है। उसका लेवल आप एप्लीकेशन से सेट कर सकते हैं, लो, मीडियम या हाई पे। और अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको कम्प्लीटली आप म्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट होगा आपका मेन हार्ड वायरिंग केबल जो पावर सोर्स है। यहाँ पे टाइप सी इंटरफेस आपको मिल जाएगा एडिशनल स्क्रू के साथ, तो आप यहाँ पे फर्मली उसको टाइट भी कर सकते हैं। और उसके एग्जैक्टली नीचे आपको मिल जाएगा एक रीसेट होल, अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपने गलत सेटिंग्स किए हैं तो आप यहाँ से इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पे एक रेड कलर का आपको फंक्शन बटन भी मिल जाएगा, इसका एग्जैक्टली फंक्शन क्या है इंस्टॉलेशन के बाद आपको मैं दिखा दूंगा। और रीसेट होल के ऊपर ही आपको माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट मिल जाएगा। ये डैश कैम डुअल स्टोरेज सपोर्ट करता है, आपको बिल्ट इन 32 GB का EMMC चिपसेट मिल जाएगा जो सुपर फास्ट होता है माइक्रो SD कार्ड के कंपैरिजन में। और इसका फेल्योर रेट ना के बराबर है, तो आपको रिलायबल और एक सुपर फास्ट यहाँ पे स्टोरेज सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन इनकेस कभी अगर एडिशनल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप यहाँ पे अप टू 128 GB तक का माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ये कैमरा 4K कंपैटिबल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अच्छी क्वालिटी का। और कार्ड के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वही कार्ड बाय कीजिए सिमलेस परफॉर्मेंस के लिए। तो अभी बात करते हैं X5 Pro के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और कुछ की फीचर्स के बारे में। इसमें आपको कैपेसिटर का सपोर्ट मिलेगा जो नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी के कंपैरिजन में सेफ और रिलायबल होता है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। 4 GB का रैम मिलेगा आपको सीमलेस परफॉर्मेंस के लिए। और 8 MP सोनी IMX415 सेंसर मिलेगा जो इंडस्ट्री लीडिंग है। और अगर वीडियो आउटपुट की बात करूं तो ये कैमरा 4K अल्ट्रा HD वीडियो आउटपुट देगा आपको 30 FPS में। X5 Pro में आपको एक और एक्सेलेंट फीचर मिलेगा जो इस प्राइस रेंज में बहुत कम देखने मिलता है, 90 FPS का सपोर्ट। आपने सही सुना, ये कैमरा 90 FPS कैप्चर कर सकता है। तो बहुत सारे बायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको 60 या 90 FPS का सपोर्ट चाहिए, तो आप X5 Pro को कंसिडर कर सकते हैं। अभी 90 FPS पे आपको एक स्मूथ फुटेज मिल जाएगा जो आप पोस्ट प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ईजिली आप इसको स्लो मोशन कर सकते हैं, अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, हाई स्पीड पर ड्राइव कर रहे हो, तो ये कैमरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में कैप्चर करता है। तो आप जूम कर सकते हो, पिक्सलाइजेशन कम हो जाएगा, तो लाइसेंस प्लेट, रोड के साइड की इन्फॉर्मेशन, फेसेस आप इजीली यहां पे कैप्चर कर पाओगे। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। 90 FPS के अलावा आपको इसमें दो और इंपॉर्टेंट फीचर मिलेंगे, ADAS और सेंस रियलिटी 2.0। दोनों AI बेस्ड फीचर है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या बेनिफिट देते हैं, आपको इंस्टॉलेशन के बाद में दिखा दूंगा मैं। तो ये तो था फ्रंट कैमरा के बारे में, अभी रियर कैमरा यूनिट के ऊपर नजर डालते हैं। ये रियर कैमरा यूनिट है RC1 और इसका परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। DDPi के X2S Pro में और Z40 में आपको सेम मॉडल मिला था, 1080 pixel का HD वीडियो आउटपुट आपको मिलेगा 25 FPS में। और लो लाइट के लिए आपको एक लार्ज अपर्चर मिलेगा F2.0 का जो हर वेदर कंडीशंस में डिटेल सही से कैप्चर करेगा और आपको एक्सलेंट फुटेज देगा। ये लेंस भी काफ़ी वाइड है, आपको रियर साइड में 125 डिग्री तक का रिकॉर्डिंग एंगल मिल जाएगा, तो लेफ्ट से राइट साइड तक सारे डिटेल से कैमरा कैप्चर करेगा मैक्सिमम सेफ्टी के लिए। और ये 360 रोटेशन सपोर्ट करता है, तो रिकॉर्डिंग एंगल फाइंड आउट करना बहुत आसान है। आप ऐसे रोटेट करके आपका रिकॉर्डिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑपरेटिंग LED मिल जाएगा जो कैमरा का स्टेटस दिखाएगा पार्किंग मॉनिटरिंग में या रेगुलर में कैसे रिकॉर्ड कर रहा है। तो अभी जल्दी से इंस्टॉलेशन परफॉर्म करते हैं और आपको दिखा दूंगा दोनों कैमराज का आउटपुट कैसे आता है। तो मिलते हैं इंस्टॉलेशन में। तो अभी कार के पास आ चुका हूं मैं और टाइम बचाने के लिए मैंने इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर लिया है, रियर और फ्रंट कैमरा दोनों इंस्टॉल कर दिए हैं। लेकिन आपके रेफरेंस के लिए एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा मैं आपको कि आप इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हो, केबल्स कैसे रन करनी है और जो फीचर्स है कैमरा के आपको कैसे अंडरस्टैंड करने हैं एप्लीकेशन के साथ। पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में।
तो जैसे अनबॉक्सिंग में कहा था मैंने आपको, इंस्टॉलेशन दो टाइप के होंगे X5 Pro में। एक स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन जो आपको बॉक्स में किट मिलता है, इंटीग्रेटेड हार्ड वायरिंग किट और डुअल चैनल का सेटअप, आप कार में फ्यूज बॉक्स के साथ हार्ड वायर कर सकते हैं। और इनकेस किसी रीजन से अगर आपको कार के फ्यूज बॉक्स में कनेक्शंस नहीं करने, तो आपको एक बैटरी पैक का ऑप्शन मिल जाता है। ये बैटरी पैक है नेक्स्ट डिजिट्रॉन ने डेडिकेटली डैश कैम्स के लिए डिजाइन किया है। इसका डिटेल रिव्यू और इंस्टॉलेशन मैंने ऑलरेडी चैनल पर कवर किया है, उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, बस आपका जो फ्यूज बॉक्स है उसकी जगह पे 12 वोल्ट डीसी पोर्ट में इसको कनेक्ट करना है और दूसरा एंड आपके डैश कैम में कनेक्ट करना है। जब आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी तो डैश कैम इस बैटरी पैक से ऑपरेट होगा। इसमें भी आपको एक हार्ड वायरिंग किट मिल जाता है। ये डैश कैम के मॉडल स्पेसिफिक आपको मिल जाएगा, अभी ये डेडिकेटली X5 Pro के लिए बना है। अगर आपको किसी और कैमराज के लिए चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाके इसको परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं फ्रंट और रियर कैमरा की, कि इंस्टॉलेशन के बाद कैसे लुक आ रहा है और वायरिंग मैंने कैसे मैनेज की है। आपके रेफरेंस के लिए मैं सब कुछ ब्रीफ में कवर करूंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा। और कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में। तो फ्रंट कैमरा यूनिट को मैंने IRVM के एग्जैक्ट पीछे इंस्टॉल किया है, और ये जो लोकेशन होती है इंस्टॉलेशन की, वो कार टू कार डिफर करेगी। अगर आपकी कार के सेंटर में यहाँ पे ऑटो वाइपर या हेडलैम्प के सेंसर्स इंस्टॉल्ड है, तो आप लोकेशन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कैमरा को नीचे लेफ्ट या राइट भी अलाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रंट कैमरा बहुत वाइड रिकॉर्ड करेगा अप टू 145 डिग्री तक, तो रोड की सारी फुटेज कैप्चर करेगा सेफ्टी के लिए। और केबल मैनेजमेंट के लिए आपको आपकी कार के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ये जो हार्ड वायरिंग किट मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ये बॉक्स में मिला है मुझे, जो कैमरा के साथ आया था। अगर आप बैटरी पैक डिसाइड करते हो तो बैटरी पैक में भी आपको सेम केबल मिल जाएगी। तो आपकी कार में जहां पे फ्यूज बॉक्स इंस्टॉल्ड है, अगर आप स्टैंडर्ड किट इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उस एरिया में आप इसको रन कर सकते हो, लेफ्ट या राइट साइड में। और बैटरी पैक के लिए तो आप दोनों साइड से कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सिंगल केबल यहां पे डैश कैम में कनेक्ट होगी, और यहां पे एक स्क्रू दिया है एडिशनल सेफ्टी के लिए, आपको बस यहां पे कनेक्ट करना है। यहां से केबल आपको रन करनी है। अब मेरी कार का फ्यूज बॉक्स राइट साइड में है, तो मैंने राइट से रन की है, यहां तक सिमिलर है। अभी केबल यहां से स्प्लिट होगी तीन हिस्सों में। एक केबल जाएगी डायरेक्टली आपके फ्यूज बॉक्स में, जहां पे ECC, VCC और ग्राउंड कनेक्शन कनेक्ट होगा। और दूसरी दो केबल से आपको मैं दिखा देता हूं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो मैंने यहां पे हाइड की है, आप हाथ से इजीली कर सकते हो। अभी आप देख लो, यहां से मैंने केबल को पुल आउट किया है। तो हार्ड वायरिंग किट में आपको ये मेन केबल मिल जाएगी, जो डैश कैम में जाके कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से केबल तीन हिस्सों में स्प्लिट हुई है, आप देख सकते हो। ये जो केबल है, ये कार के फ्यूज बॉक्स में जाएगी, अगर आपने स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन किया है तो हार्ड वायरिंग के लिए, और बैटरी पैक इंस्टॉल किया है तो ये आपके डायरेक्ट बैटरी पैक में कनेक्ट हो जाएगी, और बैटरी पैक आपका 12 वोल्ट डीसी पोर्ट में कनेक्ट होगा। इतना ही डिफरेंस है कनेक्शंस में, बाकी आपको फीचर्स सारे सिमिलर मिल जाएंगे ये हार्ड वायरिंग किट में या बैटरी पैक में, क्योंकि उसमें भी हार्ड वायरिंग किट आता है। तो पार्किंग मॉनिटरिंग के सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं। जो दूसरी केबल है, आपको यहाँ पे एक मेल 6-पिन कनेक्टर मिल जाएगा, जो 4G मॉड्यूल के लिए आता है। इंडिया में सपोर्ट नहीं मिलेगा इसका, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको टेप लगा के कहीं पे हाइड कर दीजिए। और जो तीसरी केबल है, आपको यहाँ पे फीमेल 6-पिन अडाप्टर मिल जाएगा। ये जो कनेक्टर है, ये रियर कैमरा के लिए मिल जाता है, आप देख सकते हो। रियर कैमरा मैंने ऑलरेडी यहां पे कनेक्ट किया है, और यहीं से कैमरा को पावर सप्लाई मिलेगा, आपको अलग से कनेक्शंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रियर कैमरा के बारे में बात करने से पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि हार्ड वायरिंग के बाद फ्रंट और रियर कैमरा गाड़ी के इग्निशन के साथ कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो अभी मेरी कार का इग्निशन बंद है, आप देख सकते हो, लेकिन स्टिल कैमरा ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि इसको हार्ड वायर किया मैंने। अभी कार की बैटरी से यह पावर ले रहा है, और यहां पर आपको जो ऑरेंज कलर का LED दिख रहा है, जैसे मैं इग्निशन ऑन करूंगा वो जो पैटर्न है चेंज होगा, ब्लू कलर में हो जाएगा, और जो सामने का जो रेड कलर का LED है पार्किंग वाला, वो ऑफ हो जाएगा। और ये कैमरा नॉर्मल मोड रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा, आपको एक यहाँ पे टोन भी सुनाई देता है। और जैसे वापस आप इग्निशन बंद करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये कैमरा नॉर्मल मोड से पार्किंग मोड में आ जाएगा। तो पार्किंग मोड के जो ऑप्शन है, आप एप्लीकेशन से सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ, आप देख लीजिए रिस्पॉन्स। तो देख लिया इंस्टेंटली यहाँ पे कैमरा ने पार्किंग मोड एग्जिट कर लिया, और यहाँ पे जो ब्लू इंडिकेशन है, ये नॉर्मल मोड में रिकॉर्ड करने के लिए है। कैमरा एक मिनट की फुटेज लूप में रिकॉर्ड करेगा 30 FPS में, और आपके स्टोरेज में सेव करेगा। अब जैसे मैं इग्निशन बंद कर दूंगा, कैमरा ऑटोमेटिकली पार्किंग मोड में चला जाएगा, और जो LED इंडिकेशन से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी मैंने इग्निशन बंद कर दिया है, तो यहाँ पे आपने टोन सुना, ऑटोमेटिकली कैमरा पार्किंग मोड में चला गया। इंस्टेंटली होता ही है इग्निशन के साथ, और जो LED इंडिकेशन है वो उसका पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो अभी बैकअप कैमरा की तरफ चलते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ मैंने वायरिंग कैसे रन की है और कैमरा कैसे रिस्पॉन्स करता है इग्निशन के साथ।
तो रियर कैमरा को मैंने एग्जैक्टली सेंटर में इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हो। बाहर से कम विजिबल है, कोई इजीली गेस नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो लोकेशन है वो कार टू कार डिफर करेगा। आपकी कार में अगर सेंटर में स्पेस नहीं है तो आप थोड़ा नीचे ऊपर लेफ्ट या राइट में भी इसको अलाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कैमरा अप टू 125 डिग्री तक सुपर वाइड व्यू सपोर्ट करता है, तो मैक्सिमम रोड कवर करेगा सेफ्टी के लिए। अब रियर कैमरा की केबल मैंने फ्रंट कैमरा पे वहाँ पे कनेक्ट की थी और लेफ्ट साइड से ए पिलर से बी पिलर तक मैंने रन की थी। जो जॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे बी पिलर का और ऊपर रूफ लाइनिंग का, उसके बीच से वेदर सीलिंग से मैंने रन की है वायरिंग को सी पिलर तक, यहाँ पे आपको जॉइंट दिख रहा है। अब यहाँ से आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, आप चाहो तो उसको प्रॉपरली हाइड कर पाओगे, ये जो वेदर सीलिंग है यहाँ से, ये हर कार में आपको देखने मिलेगा, या फिर ये जो वेदर सीलिंग है ट्रंक का, आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से कनेक्शन ले सकते हो, ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, थोड़ी केबल आपकी विजिबल रहेगी, लेकिन आपको अगर प्रॉपर इंस्टॉल करना है तो आप यहां से केबल को रन कर सकते हो। इसको सील को निकालना बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा पुल कीजिए, ये निकल जाएगा स्लॉट से। फिर आपको करना क्या है, निकल गया। फिर आपको करना क्या है, यहां से केबल तार से आपको पुल आउट करनी है, यहां से भी आप तार से कर सकते हो इजीली, ऊपर से तार डाल दीजिए यहां पे और केबल को टेप करके ऊपर आप खींच सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ से निकाली है, आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। फिर आप यहाँ से आपकी कार के मेक के हिसाब से राइट लेफ़्ट रन करके केबल को इजीली पुल आउट कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था इसीलिए ये जो आपको पिलर दिख रहा है बूट डोर का, यहाँ से मैंने रन की है। फिर ये प्लास्टिक पैनल निकाल के उल्टा रिवर्स रन किया मैंने इस केबल को, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सपोर्ट दिया है केबल को। तो रियर कैमरा का कनेक्शन जो है मैंने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हो प्लग एंड प्ले कनेक्शन है, कोई वायर स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल विजिबल नहीं रहेगा। केबल को मैंने नीटली यहाँ से रन किया है और ये जो कनेक्टर्स आपको दिख रहे हैं डबल साइड टेप वाले, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे, इनका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100 से 150 कॉस्ट रहेगी तो आप इजीली इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ करो। अभी मुझे नीटली यहाँ से वायरिंग हाइड करनी थी इसलिए मैंने यहाँ पे रन किया है और ये निकलेगा नहीं, बिल्कुल फर्म फिटिंग मिलेगा आपको और ये केबल आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी जब आप गाड़ी क्लीन कर रहे हो या ड्राइव कर रहे हो। तो जल्दी से एप्लीकेशन सपोर्ट कवर कर लेते हैं। DDPie का ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको एंड्रॉइड iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। ये DDPie का ऐप है, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिख जाएगा। फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए आपको यहाँ पे डिवाइस का स्टोरेज और लोकेशन परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी, ये इनिशियल इंटरफेस है। आपको नेक्स्ट टैब में डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा ऐड न्यू डिवाइस का और थर्ड टैब में आपको यहाँ पे लॉगिन क्रिएट करना है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, वन टाइम प्रोसेस है। दूसरा, आपको यहाँ पे ऐड कैसे करना है डिवाइस मैं दिखा देता हूँ आपको। न्यू डिवाइस पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, नो स्क्रीन, स्क्रीन और रियर व्यू डैश कैम। तो जो आपका डैश कैम का टाइप है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी X5 Pro में स्क्रीन नहीं है तो मैंने नो स्क्रीन किया। आपको गाइडलाइंस दिखेंगे यहाँ पे, इंस्टॉल डिवाइस, पावर इट ऑन वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। कनेक्ट टू वाईफाई का ऑप्शन आ जाएगा, अभी ये जो वाईफाई है आपके स्मार्टफोन से डैश कैम कनेक्ट करेगा, इसमें कोई डेटा कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो अभी ऑलरेडी ऑन है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पासवर्ड एंटर करना है, जो इनिशियल पासवर्ड रहेगा 1234567890, तो ये 10 डिजिट का पासवर्ड है, आपको एंटर करना है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 7890 है, तो ये एंटर करना है आपको, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करते ही कैमरा डिटेक्ट करेगा, जो वाईफाई है आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि यहाँ पे डेटा कनेक्शन नहीं है, तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि आपको कनेक्ट करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ऑलवेज या वन टाइम कनेक्शन। तो अगर आपने ऑलवेज किया तो कैमरा जैसे आपके फ्रिक्वेंसी में आएगा वाईफाई के स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, तो मैंने ऑलवेज किया, आपको बार बार पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगा कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट, तो बैक चलिए। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, फॉर योर प्राइवेसी प्लीज चेंज द वाईफाई पासवर्ड फ्रॉम द डिवाइस सेटिंग। तो अभी आप यहाँ पे कर सकते हो मॉडिफाई करके, आपको मैं दिखा देता हूँ सेटिंग में ऑप्शन कहाँ पे है। तो अभी मैं नहीं कर रहा था इसलिए मैंने चेंज लेटर कर दिया। ये इनिशियल सेटअप है, फ्रंट कैमरा का व्यू दिखेगा आपको डिफॉल्ट। ये जो गाइडलाइंस है आप यहाँ से जो क्रॉस दिख रहा है यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। और अगर आपको व्यू कंफर्टेबल नहीं है तो जो स्लाइडर दिखाया था मैंने कैमरा के ऊपर, उसको आप ऊपर नीचे करके ये व्यू एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऊपर स्विच बटन दिखेगा राइट साइड में, इसके ऊपर क्लिक करके रियर व्यू भी देख सकते हो, अभी रियर कैमरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है। ये गाइडलाइंस आप डिसेबल कर सकते हो,
आपको दिख रहा है, ये वन टाइम है, बार बार नहीं आएंगे, आप बाद में मैनुअली इनेबल कर सकते हो इसको। ये इसका टाइमलाइन है एक्चुअली, जो आपको ग्रे दिख रहा है यहाँ पे कलर, ये कलर आपको दिखाता है कि जो कैमरा नॉर्मली रिकॉर्ड कर रहा है फ्रंट और रियर साइड से। आप यहाँ पे स्लाइड करके देख सकते हो। आपको यहाँ पे जो येलो लाइन दिख रहा है, ये सारा पार्किंग मॉनिटरिंग का है, इसके ऊपर लिखा आएगा पार्किंग मॉनिटरिंग। तो जब भी आपकी गाड़ी पार्किंग मोड में रहेगी, यहाँ पे आपको दिखा देगा फ्रंट और रियर कैमरा से। और अगर आपको यहाँ पे कोई रेड दिख रहा है लाइन, उसका मतलब होता है कैमरा का इमरजेंसी ट्रिगर हो चुका है, जो जी सेंसर है रनिंग में या पार्किंग मोड में कुछ एक्टिविटी उसने कैप्चर करके लॉक कर दिया है। अभी डायरेक्टली सेटिंग्स में चलते हैं, आपको इंपॉर्टेंट कुछ वहाँ पे चेंजेस आपको दिखा देता हूँ मैं क्या करना है। तो सेटिंग में जाने के लिए आपको ऊपर राइट साइड में ऊपर एक गियर आइकन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। आप कैमरा सेटिंग्स में जाओगे ऑटोमेटिकली, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे सारे मेन ऑप्शंस जो है, मैं दिखा देता हूँ आपको। वीडियो रेजोल्यूशन है यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, वीडियो रेजोल्यूशन में आप जो डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन यहाँ पे है 4K 2160 पिक्सल का, ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन है फ्रंट कैमरा से। और रियर कैमरा का आपको डिफ़ॉल्ट 1080 पिक्सल का मिल जाएगा। तो फ्रंट कैमरा का आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है 2K का 1600 पिक्सल का, और अगर आपको 90 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ पे 1080 पिक्सल पे स्विच कर सकते हो। ऑटोमेटिकली जो आपका फ्रेम रेट है 90 FPS पे सेट हो जाएगा, और जैसे आप 4K या 2K पे करोगे वो 30 FPS पे आ जाएगा। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा है कोलिजन सेंसिटिविटी का। कोलिजन सेंसिटिविटी मतलब जो जी सेंसर होता है कैमरा, अगर गाड़ी के साथ कुछ हो जाता है तो जी सेंसर ट्रिगर करेगा और उतनी ड्यूरेशन की फुटेज आपके स्टोरेज पे सिक्योरली लॉक करेगा। आपको जो टाइमलाइन दिखाया था वहाँ पे रेड में हाईलाइट करेगा, तो उसका जो ऑप्शन है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैंने ऑफ पे रखा है। दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है व्हीकल इज टर्न ऑफ एंटर्स, जो पार्किंग मॉनिटरिंग है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे श्रिंक मोड मिलेगा, यानी कि टाइम लैप्स में रिकॉर्ड करेगा फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ, और फोल्डर अलग से क्रिएट करेगा आपके स्टोरेज पे। ये 1 फ्रेम पर सेकेंड होता है, मतलब आपका आधे घंटे का फुटेज एक मिनट में कन्वर्ट करेगा ये। बाद में आप स्लो करके देख सकते हो। यहाँ पे ऑडियो सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जो ऑर्डिनरी वीडियो है, जो आपका रेगुलर 1 मिनट का फुटेज रिकॉर्ड होता है फ्रंट और रियर कैमरा से, वो आपको मिलेगा 30 फ्रेम पर सेकेंड में। इसमें आपको ऑडियो भी देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा सॉरी। दूसरा आपको डोमेंसी मिल जाता है ऑप्शन, यहाँ पे पार्किंग मोड ट्रिगर नहीं होगा। गाड़ी बंद होने के बाद आपका कैमरा स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा, दोनों कैमरास फ्रंट और रियर। और अगर कुछ हो जाता है आपको वहाँ पे जो कोलिजन सेंसिटिविटी है उसको एक्टिवेट करना है। अगर कुछ हो जाता है तो कैमरा ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग मोड में आ जाएगा, और वो जो फुटेज है आपके स्टोरेज पे इमरजेंसी के मोड में रिकॉर्ड करेगा रेड में हाईलाइट करके। तो आप डोमन से भी रख सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा बैकअप मिलेगा क्योंकि इसमें बैटरी कंजम्पशन बहुत कम होता है। सेटिंग्स में जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है बैटरी प्रोटेक्शन लेवल का मिलेगा, व्हीकल बैटरी प्रोटेक्शन। अगर आपके माइंड पे कहीं भी डाउट है कि जो हार्ड वायरिंग है उसको करने के बाद पार्किंग में कैमरा बैटरी ड्रेन करेगा, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपको यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे ऑटो कट ऑफ के ऑप्शन मिल जाएंगे, 12.4, 12 और 11.8 वोल्ट पे आपको यहाँ पे कट ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा। 12.4 बहुत हाई हो गया और 11.8 बहुत लो हो गया। आपको मैं रिकमेंड करूंगा 12 वोल्ट पे रखिए, आपकी गाड़ी 1 से 2 दिन तक आराम से पार्किंग मोड में रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद कैमरा शट डाउन करेगा 12 वोल्ट रीच होने के बाद, यानी कि आपकी बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। और यहाँ पे करंट जो बैटरी का लेवल है वो भी दिखाएगा। अभी 11.9 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज है, क्योंकि मेरी गाड़ी रेगुलरली पार्क होती है, डेट दिखाएगा आपको यहाँ पे। और जैसे ही 11.8 अगर मैंने सेट किया है तो ऑटोमेटिकली कैमरा ट्रिगर कर देगा शट डाउन वहाँ से, और नेक्स्ट टाइम आपको इंटीमेट करेगा। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैसे बैटरी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। आप स्लाइड कर लो, ये देखो 12, 14 वोल्ट, 13, 12, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखेगा। तो आप इजीली यहाँ से गेस कर पाओगे कि आपकी बैटरी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होती, ये बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन है। तो 12 वोल्ट पे रख दीजिए। और डैश कैम के परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए आप एडिशनली CPL फिल्टर भी बाय कर सकते हो। ये बहुत ही यूज़फुल है, जो नॉर्मली आपको ग्लेयर की प्रॉब्लम आती है डैशबोर्ड से विंडशील्ड में, और विंडशील्ड से आपके कैमरा के लेंस के ऊपर ग्लेयर आ जाता है, जो डे लाइट में आपको प्रॉब्लम्स आती है क्लीन फुटेज की, वो प्रॉब्लम ये CPL फिल्टर काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा। तो आपको वहाँ पर क्लीन फुटेज मिल जाएगी। और आपके रेफरेंस के लिए जो कंपेरिजन फुटेज है वीडियो के एंड में मैं प्ले कर दूंगा, आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। बहुत सारे मॉडल्स हैं उसके CPL फिल्टर आपको दिख जाएंगे, बिफोर और आफ्टर फुटेज आपको मिल जाएगी देखने के लिए। डेलाइट का जो ग्लेयर है ये काफ़ी हद तक रिड्यूस करेगा, तो यूज़फुल है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। इसको मैंने निकाल के रखा है ऑलरेडी। कुछ ऐसा आपको छोटा सा CPL फिल्टर मिल जाएगा, और इंस्टॉल करना भी बहुत सिंपल है। लेंस के ऊपर आपको बस इसको लगा देना है, ये फिट हो जाएगा, ये फर्म फिटिंग है। वन टाइम अगेन प्रोसेस है, आपको बार बार इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाइट में और डेलाइट में ये आपकी बहुत काम में आ जाएगा, तो ये हाईली रिकमेंडेड है। तो अभी बात करते हैं X5 Pro के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के साथ। ये कैमरा प्रीमियम सेगमेंट में आता है, और इसको बाय करने के लिए आपको
22,000 से लेके 26,000 तक स्पेंड करने पड़ेंगे और ये प्राइस पॉइंट काफ़ी बड़ा है। इसको कंसिडर करने के बाद कुछ फीचर्स यहाँ पे मुझे मिसिंग लगे। पहला फीचर है 4G मॉड्यूल का। ऑलरेडी यहाँ पे प्रोविजन दिया है, बाकी कंट्रीज़ में ये वर्क करता है लेकिन इंडिया में ये सपोर्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, काफ़ी काम की चीज़ है ये, एज एन ऑप्शन ही देना चाहिए था कंपनी ने। जिनको ज़रूरत है वो लोग एक्सेसरीज के तौर पर इसको बाय करके यूज़ कर पाते, रिमोटली आप कैमरा को एक्सेस कर पाते कहीं से भी, लेकिन ये मिसिंग है। दूसरा जो फीचर है मोशन सेंसर का है, इसमें नहीं दिया। काफ़ी फीचर्स पैक्ड कैमरा है लेकिन एक फीचर नहीं है इसमें मोशन सेंसर का। अगर वो दिया होता तो पार्किंग मॉनिटरिंग आपका और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता। और जो थर्ड फीचर है ADAS का, एग्जिस्ट करता है इस कैमरा में, आप इजीली इसको कैलिब्रेट भी कर पाओगे, आपको अलर्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी और जो एक्यूरेसी है थोड़ी सी डिसअपॉइंट करती है। DDPI ने इसके ऊपर काम करना चाहिए, फीचर देने से काम नहीं चलेगा, वो एक्यूरेट भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं जिनको ये फीचर पसंद आता है तो उनको ये थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है। बाकी और कुछ यहाँ पर निगेटिव फीचर लगा नहीं मुझे। अभी बात करते हैं पॉजिटिव फीचर्स के बारे में। X5 Pro में आपको अच्छी फीचर्स की लंबी लिस्ट मिल जाएगी। जो सबसे पहला अच्छा फीचर लगा मुझे इसमें, इसका वीडियो रेजोल्यूशन है। फ्रंट कैमरा से आपको एक्चुअल 4K आउटपुट देखने मिलेगा, जो बहुत सारे यूजर्स को पसंद आने वाला है। आपको रेगुलर यूसेज में तो अच्छी फुटेज मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको सीनरी कैप्चर करके सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है तो आपको एक स्टेबल अल्ट्रा HD फुटेज मिल जाएगी, जो बाद में आप पोस्ट प्रोडक्शन एडिट भी कर पाओगे। दूसरा मुझे अच्छा फीचर लगा 90 FPS का सपोर्ट, बहुत कम देखने मिलता है डैश कैम सेगमेंट में और आपको इस प्राइस पॉइंट में तो मिलेगा ही नहीं किसी और कैमरा में। तो 90 FPS में आप एक अच्छी फुटेज कैप्चर कर पाओगे स्पोर्ट एक्टिविटीज अगर आप करते हो तो। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका डुअल स्टोरेज ऑप्शन। यहाँ पे आपको इनबिल्ट 32GB का EMMC चिपसेट मिल जाएगा, जो सुपर फास्ट होता है नॉर्मल SD कार्ड के कंपैरिजन में और काफ़ी रिलायबल होता है, क्योंकि इसका फेल्यूर रेट ना के बराबर है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। आपका जो डेली कम्यूट ऑफिस से घर तक का, उसके लिए मोर देन सफिशियंट है। और इनकेस कभी अगर आपको टाइमिंग इसको एक्सपांड करना है या फिर परमानेंटली एक्सपांड करना है तो आपको यहाँ पे 128GB तक का माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। आप क्लास 10 का कार्ड यूज़ करके ईजिली उसको यूटिलाइज कर पाओगे और जो इनबिल्ट स्टोरेज है उसका डेटा भी आप इजीली यहाँ पे ट्रांसफर कर पाओगे एप्लीकेशन से, मैंने आपको दिखाया था। जो फोर्थ पॉइंट है इसका पार्किंग मॉनिटरिंग का, आपको यहाँ पे डुअल जो चैनल है पार्किंग सपोर्ट मिल जाएगा फ्रंट से और रियर से। कैमरा एक साथ रिकॉर्ड करेंगे दोनों और आपके स्टोरेज के ऊपर अलग अलग फोल्डर क्रिएट करके सेव करेंगे, तो आपको यहाँ पे मोड भी मिल जाते हैं, टाइम लैप्स, ऑर्डिनरी और डोमेंसी। डोमेंसी मोड बहुत सही है, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पार्क कर रहे हो तो आप गाड़ी को डोमेंसी मोड पर रख सकते हो। अगर कुछ इंसिडेंट हो जाएगा तो कैमरा इजीली कैप्चर करके वो फुटेज लॉक कर देगा और आपको एडिशनल बैकअप भी मिल जाएगा। और अगर आप रेगुलर पार्किंग करते हो डेली यूज़ के लिए तो टाइम लैप्स या ऑर्डिनरी फुटेज में आप इसको सेट कर सकते हो। और लास्ट में आपको इसमें एक इंटीग्रेटेड GPS मॉड्यूल मिलेगा मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन सपोर्ट के साथ, तो कहीं पे भी ट्रैवल करो आपको GPS सिग्नल मिल जाएंगे और मैक्सिमम एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी, मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन सपोर्ट है इसीलिए। तो आपका ट्रैवल हिस्ट्री, कार का स्पीड, एलिवेशन, सारा कुछ आपको यहाँ पे एक सिंगल रिपोर्ट में मिल जाएगा, तो काफ़ी यूजफुल फीचर है। और अगर ये जो पॉजिटिव फीचर्स है मैं नेगेटिव के साथ कंपेयर करूँगा तो बहुत सारे बायर्स को वो फीचर ज़्यादा बॉदर भी नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ये कैमरा वर्थ बाइंग है। और जितने एक्सेसरीज और कैमराज मैंने आपको दिखाया अब तक उनके सारे परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं मैंने, आप इसको Amazon इंडिया या nextdigiton.com से बाय कर सकते हो। nextdigiton DDPI के ऑथराइज चैनल पार्टनर है पैन इंडिया के लिए, तो आपको हमेशा एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा GST इनवॉइस के साथ। और इनका खुद का सर्विस सेंटर भी है पुणे महाराष्ट्र में, तो आपके जितने वारंटी क्लेम्स हैं आपको लोकली सेटल करके मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपने रिस्पॉन्सेज दे दीजिए। आपकी कुछ भी क्वेरीज़ है तो मेरी और सपोर्ट टीम की इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई देती होगी, तो फील फ्री टू रीच आउट, आपको सारा रेजोल्यूशन मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए और जो बेल आइकन है उसको इनेबल कर दीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो के अपडेट्स हैं आपको ऑन टाइम मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।